सोशल मीडिया पर पिछले कुछ वक्त से सीसीटीवी फुटेज या ऐसे ही कुछ वीडियोस वायरल हैं। इनमें या तो कोई बच्चे का अपहरण करते हुए दिख रहा है या कोई ढोंगी बाबा चोरी करते हुए। इनकी छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इन वीडियोस की सच्चाई कुछ और ही है। आज हम आपको ऐसे ही दो वीडियोस की असलियत दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, लड़के केक में कुछ मिलाते हुए दिख रहे हैं। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये लड़के मुस्लिम हैं और लड़की को बेहोश कर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दावे के साथ ये वीडियो वायरल है। इसकी असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू की। हमें वेरीफाइड फेसबुक यूजर संजना गलरानी द्वारा पोस्ट किया गया ये वीडियो मिला। पोस्ट में साफ बताया गया है कि ये एक नाटकीय वीडियो था। उन्होंने बताया कि ये शॉर्ट फिल्म मनोरंजन या शैक्षिक उद्देश्य से बनाई गई है। अब बात करते हैं इस दूसरे वीडियो की। इसमें एक औरत बच्चे को ले जाते हुए दिख रही है, जबकि ये बच्चा बता रहा है कि ये उसकी माँ नहीं है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। दीदी मेरी दीदी को भी लेके गए आगे। तेरा बच्चा नहीं है, मुंह पर मारूंगा। पहले सुनने दे, हाँ बता क्या बोलते। दीदी बकवास मत कर, मुंह फोड़ दूंगा तेरा, बैठ जा। हाँ फिर इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि एक जिहादी औरत पार्क से बच्चे को उठाकर ले जा रही है और फिर इन बच्चों से भीख मंगवाने का काम करती है। जांच करते हुए हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन फेसबुक पर मिला। इस वीडियो में 7 सेकंड पर एक डिस्क्लेमर दिखता है, जिसमें साफ बताया गया है कि ये वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। बता दें कि हाल में जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए तकरीबन 7 से ज्यादा स्क्रिप्टेड वीडियोस असली मानकर शेयर किए गए हैं। यहाँ कहीं न कहीं ऐसे वीडियोस बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में सही तरीके से डिस्क्लेमर नहीं दिखाने के कारण इसे आसानी से भ्रामक तौर पर पेश किया जा सकता है। ऑल्ट न्यूज ने ऐसे वीडियोस बनाने वाले पेज या संगठन से इस बारे में संपर्क किया है, लेकिन वीडियो बनाए जाने तक इस संबंध में हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि ऐसे वीडियोस में स्क्रीन पर हर वक्त डिस्क्लेमर दिखाने से ऐसे भ्रामक दावों पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है।